प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। उपखंड क्षेत्र झाड़ौल के माणस गांव में स्थित शनि महाराज मंदिर के परिसर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन हुआ। गुरु श्री गुलाब दास जी महाराज का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। शनि महाराज मंदिर में पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। गुरु जी के प्रवचन के साथ भजन संध्या का आयोजन हुआ। ढोलक मंजीरा की धुन पर भक्ति भाव के साथ भजन कीर्तन चले। गुरु जी ने अपने प्रवचन में बताया कि आप और हम सभी को मिलकर हमारे क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर प्रयास करना है। शिक्षा, संस्कार और हमारे बच्चों को अच्छी संगति मिले, इस हेतु प्रयास करना है। और पूज्य श्री ने कहा कि सभी महानुभाव ने मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और समाज सुधार में बहुत सुंदर इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर पहल की। कार्यक्रम के पश्चात मंदिर परिसर में ही पीपल लगाकर वृक्षारोपण किया गया। तत्पश्चात भव्य भंडारे का आयोजन भी हुआ। शिष्य द्वारा गुरुजी का पूजन कर आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में माणस के स्थानीय ग्रामवासियों सहित उदयपुर, झाड़ौल, कोटड़ा के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा से भी गुरुजी का आशीर्वाद लेने भक्तजन पहुंचे।